स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है SUPW का। आपका नेक्स्ट था बच्चे क्लीनिंग के बारे में, हम रीड कर रहे थे क्लीन क्लासरूम क्या होता है। फर्स्ट है आपकी क्लीनिंग कितने टाइप्स की होती हैं, तो 4 टाइप्स हैं बच्चे क्लीनिंग। डेली आप डेली क्लीनिंग करते हो, वीकली मीन्स हफ्ते बाद, मंथली करते हो, ईयरली करते हो, ये 4 टाइप की क्लीनिंग है। डेली क्लीनिंग में क्या आता है बच्चे, इन्वॉल्व स्वीपिंग द रूम। स्वीपिंग द रूम क्या होता है बच्चे, जो भी आप साफ सफाई करते हो, डस्टिंग करते हो फर्नीचर की, सोफे की, डोर्स की, विंडोज़ की, मॉपिंग द फ्लोर, हर रोज़ पोछा लगाना, क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड। क्लासरूम में क्या करते हो कि ब्लैक बोर्ड को साफ़ करते हो, एम्प्टिंग द डस्टबिन, डस्टबिन को साफ़ किया जाता है, उसको खाली किया जाता है। इन वीकली क्लीनिंग बच्चे, वीकली क्लीनिंग में क्या आता है, वी क्लीन द विंडो पेंस, रिमूव द कॉब वेब्स एंड डस्ट द पिक्चर्स। जो भी बच्चे पिक्चर्स वगैरह लगाई होती हैं, विंडो की साइड्स होती हैं, उनको साफ़ किया जाता है। एवरी मंथ बुक्स कैप्ट इन द कपबोर्ड शुड बी रिमूव्ड। बच्चे मंथ वाइज क्या होता है कि जो बुक्स आपने कपबोर्ड में रखी होती हैं उनको आप दोबारा से क्लीन करते हो बुक्स को, फिर उनको रखते हो, मैप को अरेंज करते हो, चार्ट्स को रीअरेंज करते हो। और ईयरली क्लीनिंग में आता है बच्चे, वाइट वॉशिंग आती है, रिपेयरिंग आती है, जो भी आपका फर्नीचर डैमेज हो चुका है, आपने वाइट वॉशिंग करवानी है, आपने कोई कलर करवाना है हाउस को या रूम को, तो वो किया जाता है। अब क्लीनिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फर्स्ट है बच्चे आपको कौन कौन सा चाहिए, डस्टर चाहिए, फर्स्ट तो डस्टर चाहिए, ब्रूम, ब्रूम क्या होता है झाड़ू, ब्रशेस चाहिए, पेल्स पेल्स क्लॉथ्स कपड़ा चाहिए, स्पॉन्जेस चाहिए, डस्ट पैन पैन चाहिए जिसमें बच्चे डस्ट डाली जाती है। यू कैन मेक सम ऑफ दीज यूर सेल्फ, इट इज़ नेसेसरी टू लर्न हाउ टू यूज़ दीज प्रॉपरली सो डैट द रूम इज़ क्लीन वेल। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है, फिर ही आप डस्टिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट आता है बच्चे ब्रूम। ब्रूम तो आपने हर रोज़ घर में आप देखते ही हो, ठीक है। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रूम फॉर डिफरेंट पर्पस। बच्चे अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग ब्रूम यूज़ किए जाते हैं। ब्रूम का मीनिंग होता है झाड़ू। तो फर्स्ट बच्चे आपको दिखाया गया डायग्राम में श्रब ब्रूम है, एक ब्रूम है कोकोनट ब्रूम। कोकोनट ब्रूम जो आप तीले वाला झाड़ू होता है, एक होता है बच्चे ब्रूम विद हैंडल, जिसके ऊपर हैंडल हो वो भी ब्रूम होता है, ठीक है, जो स्वीपर्स वगैरह यूज़ करते हैं। स्वीपिंग डस्ट अ फाइन ब्रूम इज़ रिक्वायर्ड फॉर वाटर रिमूवल, अ कोर्सर ब्रूम मेड ऑफ स्ट्रॉ कोकोनट ब्रूम। बच्चे यहाँ जहाँ पर पानी वगैरह हो उसके लिए हम कोकोनट ब्रूम यूज़ करते हैं। सम ब्रूम हैव अ स्टिफ ब्रश विद द लॉन्ग हैंडल, कुछ ब्रूम ऐसे होते हैं जिसके ब्रश हो और बाद में हैंडल लगाओ, ये वाला ब्रूम बच्चे। दिस ब्रूम आर नीडेड टू क्लीन लार्ज एरिया, ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे हॉल वगैरह यूज़ करना है तो उसके मतलब हॉल बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा होता है कमरा, तो उस के लिए हमें हैंडल वाला ब्रूम यूज़ करना चाहिए। रेलवे प्लेटफॉर्म हो गए, हॉस्पिटल में बच्चे ये जो ब्रूम होते हैं हैंडल वाले वो यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चे ब्रशेस। ब्रशेस क्या हैं, मैनी काइंड ऑफ ब्रश यूज़ किए जाते हैं क्लीनिंग के लिए। अ सिंपल ब्रश इज़ नीडेड फॉर डस्टिंग क्रैक्स एंड कॉर्नर्स, छोटा सा ब्रश यूज़ किया जाता है क्रैक्स को, कॉर्नर्स को साफ़ करने के लिए। अ स्क्रब ब्रश इज़ यूज इफ़ द फ्लोर इज़ स्टेन्ड, स्क्रब ब्रश बच्चे अगर कुछ मतलब फिर स्टेन है, कुछ लग गया है तो उसके लिए यूज़। स्पेशल ब्रश इज़ यूज फॉर क्लीनिंग रग्स एंड दरीज मतलब बच्चे जो रग्स वगैरह मैट्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक स्पेशल ब्रश आता है। अब ब्रूम विद लॉन्ग हैंडल इज़ यूज फॉर लार्ज एरियाज, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अ हार्ड पोल ब्रश यूज फॉर मूविंग कॉब वेब्स, तो उनके लिए हार्ड पोल ब्रश यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चे डस्टबिन एंड वेस्ट पेपर बास्केट। अब वेस्ट पेपर बास्केट और डस्टबिन इज़ मस्ट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में होना बहुत ज़रूरी है डस्टबिन का। ऑल द लिटर शुड बी थ्रोन इन दैम, जो सब भी बच्चे कागज़ वगैरह होते हैं उनमें ही डालने चाहिए। द वेस्ट पेपर बास्केट में बी मेड ऑफ केन, अब आप वेस्ट पेपर से एक बास्केट बना सकते हो, केन यूज़ कर सकते हो, वुड, प्लास्टिक और मेटल। द डस्टबिन इज़ यूजली कवर्ड एंड इज़ मेड ऑफ मेटल, तो ये कवर होना चाहिए और मेटल से बना होना चाहिए। इफ़ द डस्टबिन इज़ नॉट कवर्ड फ्लाइज विल ब्रीड ऑन द रिफ्यूज, बच्चे अगर ये कवर नहीं होएगा तो इसमें क्या होएंगे, फ्लाइज मक्खी वगैरह आएंगे, इससे क्या होएगी, डिसीजेस फैल सकती हैं।
तो ये डस्टबिन की टाइप्स हैं, ये डस्टबिन है हैंडल वाला है, इस पे पैर रखोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये सिंपल डस्टबिन, ये एक वेस्ट पेपर से बने हुए भी सारे डस्टबिन हैं। मोप एंड डस्टर, मोप एंड डस्टर मीन्स पोछा, डस्टर साफ करने के लिए, डस्टर्स में भी मेड ऑफ एनी सॉफ्ट अब्जॉर्बेंट क्लॉथ, जो पानी को सोख ले बच्चे, कपड़ा उसके से बना होना चाहिए। फर्नीचर, बुक्स, विंडोज, डोर्स में भी डस्टेड विद द क्लॉथ, ये क्लॉथ से डस्ट किए जाते हैं। टू डस्ट प्लेसिस विच आर आउट ऑफ रीच द डस्टर मे बी टाइड टू अ वुडन स्टिक एंड विच सर्व्स एज अ हैंडल। बच्चे अगर कोई चीज़ ऊंची है वहाँ आपका मतलब हैंड नहीं रीच कर पा रहा तो उसको क्या करोगे, आप वुडन की एक स्टिक लोगे और उससे टाई कर लोगे। ये देखो बच्चे टाई की गई है। अ मॉप इज यूज फॉर क्लीनिंग द फ्लोर विद वाटर। अ मॉप मे बी मेड ऑफ जूट क्लॉथ। बच्चे जो आप पोछा लगाते हो तो वो कौन सा कपड़ा होना चाहिए, जूट का कपड़ा होना चाहिए। मॉप विद हैंडल कैन बी मेड बाय पुटिंग एन अब्जॉर्बेंट क्लॉथ ओवर द क्लीनिंग ब्रश। तो आप क्या करते हो कि मॉप से हैंडल वाला मॉप भी आते हैं जिससे आप क्लीनिंग करते हो फ्लोर की। तो यहाँ तक आपने बच्चे इसको रीड करना है।